you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, I can't lie. Pull you down till you dry. Pull you down till you dry. All the time, ease my mind. All the time, ease my mind. I know that. So आ गए आप लोग. संडे मॉर्निंग हो रही है एंड क्या अमेजिंग वेदर हो रहा है. नॉन स्टॉप बारिश हो रही है यार कल रात से, और मैंने सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता. इतने महीने हो गए थार को निकाले हुए एंड हो गया बस. अभी तो व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया बट आपसे मिलते हैं आगे चल के. इट इज अमेजिंग राइट नाउ. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. और अभी मौसम देख रहे हो आप. अभी हम लोग मिले थे बट वीडियो स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि इतना अमेजिंग वेदर हो रहा था. बड़े महीनों के बाद थार निकली है. स्पेशली अभी तो लॉकडाउन से ऐसा निकले हैं कि आज इतनी फ्रीडम फील हो रही है एंड अमेजिंग वेदर राइट नाउ. थार लेके आने का सीन था, पता नहीं था बारिश होने वाली है सुबह बट नाउ बारिश जब हो चुकी है तो और सोने पे सुहागा हो गया. एंजॉय करने का मोमेंट आ गया. अभी आपको चारों तरफ दिखाता हूँ मैं. इतना पीसफुल है और इतना सुंदर लग रहा है अभी. एंड आई स्टील रिम्स के साथ पहली बार हम लोग आए हैं कहीं ऐसी जगह पे. और आपको मैं बता दूं मैं उसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पे आया हूँ जहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स आने लग गए हैं. यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एडवेंचर बाइक्स आ रही है. हम लोग आए नहीं यहाँ पे 4-5 महीने से. ठीक है 2018 से आ रहे हैं यहाँ पे. चलो टीम देख रहे हो यहाँ पे. अभी आगे जाके और खतरनाक होने वाला है एंड अभी तो शुरू है यहाँ पे ट्रेल एंड अमेजिंग. ओहो क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये देखो, ये देखो. अभी यहाँ पे मस्ती शुरू हो गई है एंड एक बारी कमेंट करके बताना है नए स्टील रिम्स के साथ कैसा फील आ रहा है. और ये देखो ये सब मैं नहीं कर रहा था, ये तन्मय कर रहा है. ये सब हरकतें मैं करता नहीं हूँ बिल्कुल. भाई क्या हो गया सुबह सुबह, देख रहे थे. ठीक है अभी कुछ बाइकर्स भी यहाँ पे एंड भाई आज अमेजिंग कोर्स हो रखा है. और ये क्या, ये क्या हाइना 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 क्या है ये, रहा ये रहा हाइना है. तो अभी हमने यहाँ पे स्पॉट करी है फॉक्स. मेरे को तो हाइना लग रही थी बट तन्मय ने बताया फॉक्स है ये. एक बड़ी फॉक्स थी, उसके पीछे एक बेबी भी जा रहा था. तो ये जगह इसीलिए ज़्यादा सेफ भी नहीं है. आप यहाँ पे सोच समझ के आना चाहिए जिसको भी आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे शायद लेपर्ड्स भी घूमते हैं आगे जाके. को थोड़ा बता दूं कि आज यहाँ पे क्योंकि बारिश यहाँ पे गुड़गांव में हो रही है आज रात से हो रही है एंड इसलिए बहुत स्लिपरी हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे दलदल जैसा भी हो रखा है. लॉट ऑफ लूज मड एंड ग्रेवल एवरीवेयर. आपको दिखा देता हूँ मैं, ये ना लगे कि बहुत ही बच्चों का खेल है. आप ये देख लो ये पत्थर. अब ये कैमरा है मुझे पता नहीं कितना है बट ये काफ़ी निकला हुआ है ऊपर एंड ऐसे बहुत सारे बोल्डर्स हैं यहाँ पे हर जगह. और ये देखो मिट्टी यहाँ पे इतनी लूज हो रखी है कि पेंट करके बताना ज़रूर थार कैसी लग रही है अभी यहाँ खड़ी हुई है. स्पेशली विद द न्यू स्टील रिम्स क्योंकि पहली बार उसके बाद हम कभी ट्रेल पे आए हैं. अभी ये देखो छोटी सी वाटर क्रॉसिंग करी है ऑलरेडी. हाल देखो क्योंकि ये थोड़े से वाइड हमने इनफैक्ट जो हमने स्टील रिम्स लगाए थे उसकी वजह से स्टॉक टायर ही लगा हुआ है हमारा बट ये थोड़ा सा वाइड आ गया बॉडी से एंड थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है इस वजह से इतना स्प्लैश हो रहा है. एंड ये देखो पानी सारा आगे बह गया जो यहाँ पे जमा हो रखा था. बट दिस इज़ नॉट एज ईजी एज इट लुक्स क्योंकि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि लूज़ है एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक क्विक सैंड की एक बार आप पैर डालो तो अंदर ही घुसते जाते हो. यार तो देखो कैम अभी मुझे पता नहीं है कैमरा में कितना आया है बट यहाँ पे बहुत फॉक्स गई है. अभी भी एक और फॉक्स गई है. ये बहुत ज़्यादा ढलान है. पत्थर इतने यहाँ पे ना, पत्थरों से मेन डर होता है क्योंकि टायर या फिर कोई नीचे का इंटरनल पार्ट आपका डैमेज ना हो जाए कार का, कहीं कार बॉटम आउट ना कर जाए. इवन दो इट्स वेरी हार्ड फॉर द थार टू बॉटम आउट बट यहाँ पे पत्थर बहुत ऊँचे हैं प्लेसेज एंड रॉक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. तो मिट्टी तो है ही, मिट्टी में आप घुस जाओ एक बारी लूज सैंड है बट अगर उसमें कोई पत्थर वत्थर हुआ और व्हील स्पिन हो गया कुछ हो गया तो बहुत डैमेज होने का विचार करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत है. 3 या 4 फॉक्स तो हमें ऑलरेडी दिख गई हैं. लेपर्ड्स का यहाँ पे बोला ही जाता है कि होते हैं एंड क्योंकि 3-4 महीने से लोग निकले भी नहीं है. आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई इतना आया होगा तो वाइल्ड लाइफ भी थोड़ी और कूल हो गई है. आगे देखो आप क्या हाल है. हम लोग अभी एक अच्छे स्पॉट पे रुके हैं। काफ़ी ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको चारों तरफ बर्ड्स की, पीकॉक की आवाज़ सुनाई देगी। एंड ये बहुत सुंदर वेजिटेशन हो रखी है यहाँ पे। ये एक एक आप देख रहे हो, ये रॉक है, रॉक के ऊपर पूरा इतना अच्छा वेजिटेशन हो रखा है। एंड ये इसलिए हो रखा है क्योंकि यहाँ पे जब से लॉकडाउन हुआ था एंड कोविड जो भी हुआ है, सो आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव कम हियर फॉर द पास्ट 4-5 मंथ्स। अभी लोग आना शुरू हुए हैं एंड नेचर को एक्चुअली जगह और टाइम अपना मिल गया है जस्ट टू रिक्लेम इट्स ओन प्लेस। एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल यार, इट्स लुकिंग अमेजिंग राइट नाउ। एंड आप सुन सकते हो आवाज़ आ रही है, पूरे पीकॉक्स की आवाज़ आ रही है एंड सब कुछ आ रहा है। बहुत क्वेंट है यहाँ पे। एंड ये खड़ी अपनी थार, बताओ कैसी है। परफॉर्मेंस अमेजिंग रही है अभी तक। जस्ट आई वॉज अ बिट नर्वस अबाउट द न्यू स्टील रिम्स दैट वी हैड इंस्टॉल्ड, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने कभी ऐसा किया नहीं था एक्सर्शन। एंड टर्न आउट टू बी प्रीटी गुड यार, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो व्हील्स थोड़े बाहर निकले हुए हैं विदाउट स्पेसर्स। यस, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं स्टील रिम में स्पेसर लगे हैं कि नहीं। नहीं लगे हुए हैं इनमें, कोई स्पेसर नहीं है इनमें, बट ये फिर भी बाहर निकला हुआ है स्टॉक जो व्हील है, क्योंकि इनकी विड्थ ज़्यादा है। जो स्टॉक टायर आता है उसकी विड्थ कम है, 6.5, दिस इज़ 8, सो इसीलिए जो स्टॉक रिम आता है जो, तो उसकी वजह से जो स्प्लैश हो गया बॉडी पे वो काफ़ी बढ़ गया है, तो इसलिए गंदी ज़्यादा हो गई है। बट नेवरदरलेस फुल फन। तो स्क्रैचेस भी बहुत लगते हैं, इसलिए अपनी गाड़ियाँ लाएं तो संभाल के लाएं ऐसी जगहों पे। आवाज़ आ रही होगी आपको। और ये जो जंगल वाला एरिया है यहाँ पे थोड़ा हॉन्टेड वाला फील भी आता है। अंदर जा सकते हो, हॉन्टेड ब्लॉग बनाना है तो। और ये देखो बाइकर्स भी यहाँ पे घूम रहे हैं, अपनी मस्ती ले रहे हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा भी ट्राई किया। एंड ये थार, तो ये देखो हालत आप, हाँ। और ये देखो हालत, अभी यहाँ पे बाइकर फंस गए थे एक दो, तो हमने सोचा कि कुछ उसे हेल्प चाहिए तो हम आगे तक चलते हैं, बट फिर वो निकल गया था। सो वेल एंड गुड, बट वी आर एंजॉइंग टू द मैक्स ओवर हेयर। एंड बहुत अमेजिंग वेदर है आज। इतनी गर्मियों में यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा हमें झेलने को मिल रही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। एंड ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो या एंजॉइंग टू द कोर। और ये कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, कोई शेर चीता ना पकड़ ले। एंड अभी टाइम 8 बज रहे हैं समर्स में। एंड ऐसा वेदर सोचा था कि देखने को मिलेगा अभी हमें, कितना सही वेदर हो रहा है। और सामने देखो बिल्कुल होराइजन दिख रहा है हमें, और इतने सारे पीकॉक्स बैठे हुए हैं। सो अभी हमें बहुत टाइम हो गया यहाँ पे एंड निकलने की तैयारी है। हालत देखो क्या हो रखी है, बोल्डर्स पूरे। एंड यहाँ पे अंदर आने में जितना टाइम लगता है, बाहर जाने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि टेरेन उसी हिसाब से है। मस्ती हो गई अभी यहाँ पे। एंड क्योंकि रास्ता रायता फैल गया वहाँ पे लिटरली। एंड लेट भी हो रहे हैं अब, मेरे ख्याल 8:30-9:45 हो रहे हैं। तो टाइम टू हेड बैक, काम भी करना है थोड़ा बहुत जो भी है। तो चलो आगे मिलते हैं, अभी आगे और भी खतरनाक रास्ता आ रहा है वैसे। तो ये जैसे मैं आपको कह रहा था, आगे और भी खतरनाक रास्ता आ रहा है। पूरा इतना बड़ा डंप था, पानी से भरा हुआ, एंड कैमरे के चक्कर में उसमें पूरा ही घुस के डांस हो गया थार का। फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पे रोड पे। एंड अभी भी इतना अमेजिंग वेदर हो रहा है, तो कहीं पे रुकते हैं, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, एक बार ही फिर घर चलते हैं। और आप वेदर देखो यहाँ पे, रोड पहचानो, रोड कौन सी है पता चल गया तो कमेंट करके बताओ। तो ये देखो थार का हाल फाइनली। एंड अब हम लोग आए हैं थोड़ा चाय कॉफ़ी पीने, और इधर से तो फिर ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ से और बुरे हाल हो रखे हैं, प्रॉपर वॉश की ज़रूरत है अब इसको। वी ऑल सेट। गाड़ी धोने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका आपको मैं दिखाता हूँ। एंड आई डोंट नो अगर YouTube पे आपने कभी ये देखा होगा, बट हमारी गाड़ी बहुत गंदी हो रही थी जैसे आपको दिखाया था मैंने, तो ये वाला तरीका ज़रूर देखना और चमक जाएगी गाड़ी। चला जाए पानी, पाइप पर ऑन बस। हो गई पानी। तो आओ देखते हैं कुछ साफ हुई है कि नहीं हुई है। अच्छा ये बोलना भूल गया, अब ये करके दिखाओ। ओह मेजॉरिटी तो सामान उतर गया है, देख रहे हो, देख रहे हो, एकदम चमक गई है गाड़ी। यहाँ से थोड़ी गंदी रह गई है। एक और राउंड लेगा, घर चले, चलो घर ही चलते हैं भाई, साफ हो गई। अब एक राउंड और लेंगे तो इधर का साफ हो जाएगा। तन में माना नहीं है, कह रहे दूसरी साइड भी साफ करके ही जाएंगे। एंड क्रेडिट्स देखो, चल 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 वो भी साफ। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको काफ़ी कुछ दिखाया आज, बहुत अच्छा वेदर था इसलिए हम लोग गए थे। अब धूप निकल के आई, आई थिंक इट्स ऑलरेडी 9:30 समथिंग, 3 साढ़े 3 घंटे ज़्यादा हो गया हमें। एंड ये फाइनल कार वॉश कैसा लगा ये बताना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक करना यार। एंड सोशल मीडिया आ रही है कि फॉलो मी ओवर देयर। फेसबुक पे मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया हूँ ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, जैसे मैं आपको बताता रह रहा हूँ। एंड येस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, आई विल सी यू गाइस सून। बाय। Space and out of sight, you need me in my line. Need no face, don't need no phonies, no. Need no snakes, no only homies down for sure.